यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 का। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है और कांस्टेंट पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर एक्स हमारे वेरिएबल पार्ट है, 8x/3 वेरिएबल पार्ट है। तो तीनों पार्ट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और 17/6 को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स मैंने एज इट इज रखा और माइनस का 8x/3 मैंने एज इट इज रखा। अब ये इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, माइनस का नंबर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 5x/2। और राइट हैंड साइड में मेरा कौन सा आएगा, राइट हैंड साइड में मेरा 17/6 एज इट इज रहेगा। 7 को मैं मूव करके लेके आऊंगा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ, 1x/7, 7 को भी ऐसे लिख लेता हूँ 7/1, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 6। तो यहाँ पर 6 का 1 का पहले 6 में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम गया, 6 का मल्टीप्लाई हम x में कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6x। माइनस 3 का डिवाइड करेंगे हम 6 में तो 3 × 2 = 6, 2 का मल्टीप्लाई हम 8x में कर देंगे, 2 × 8x प्लस 2 का डिवाइड हम करेंगे 6 में, 2 × 3 = 6 और 3 का मल्टीप्लाई हम 5x में कर देंगे। सेम वे हम राइट साइड पार्ट में करेंगे, इनका एलसीएम हम ले लेंगे 6। यहाँ पर 6 का 6 में डिवाइड हुआ 1, 1 का 17 में मल्टीप्लाई 17, माइनस का 1 का 6 में डिवाइड हुआ 6 टाइम और 6 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 6x माइनस का 8 × 2 = 16, एक्स प्लस 3 × 5 = 15, एक्स सबका डिनोमिनेटर हमारा 6 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 17 और 6 × 7 = 42 और डिवाइड बाय 6। अब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए यहाँ पर 6x और यहाँ पर 15x दोनों सेम हैं, प्लस प्लस के साइन है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 15 और 6 कितने हो गए 21 हो गया, 21x माइनस का 16x डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पर 17 − 42, तो माइनस का साइन बड़ा है तो 42 में से 17 माइनस हो जाएगा तो माइनस का आंसर आएगा माइनस, आंसर आएगा माइनस का 25 और नीचे 6 है। अब 21 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 5x प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का साइन आया, डिवाइड में 6 = माइनस का 25/6, ठीक है। अब जो भी नंबर हमारे डिवाइड में होता है राइट हैंड साइड में जब इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में होता है और डिवाइड वाला साइन यहाँ पर मूव कर देते हैं इसे, ये डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया माइनस का 25/6। अब 5 हमारा मल्टीप्लाई में ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 25/6, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले पार्ट में, यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स और 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो आ गई हमारी 5। इस तरह से इसका हमारा आ गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी कंप्लीटली, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।